प्राणधार सुंदर सांचे तारतम बाणी की एक चुपाई है। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी शुद्धि औरत को तिथ चले तुम्हारा हुक्म। धाम धनी कह रहे हैं तारतम ज्ञान का प्रकाश मैंने तुम्हें दिया है और इस ज्ञान के प्रकाश में तुम संसार के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट कर सकते हो जो आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। आप देखेंगे कि आजकल तो गांव गांव में, नगर नगर में भागवत की कथाएं हो रही है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में आज तो कोई भी नहीं बता सका है कि जब बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियों ने अपना तन छोड़ा, जो गुणमयम दया सभी 36,000 सखियों ने तन छोड़ दिया, तो रास्ते लग कैसे होगी, क्योंकि शरीर तो मृतक हो गए थे और मृतक शरीर से रासलीला नहीं हो सकती। फिर भी आगे वर्णन किया जा रहा है कि महाराज की लीला होती है, उसके पश्चात जब प्रातः काल होता है तो सभी ग्वाल ये देखते हैं कि उनकी पत्नियां अर्थात गोपियां तो उनके पास ही सो रही हैं। कितने आश्चर्य की बात है, योग माया कहाँ है, योग माया उपाश्रिता, योग माया में गई तो योग माया का ब्रह्मांड कहाँ था, कौन सा तन था जिससे उन्होंने महाराज की लीला की, इन प्रश्नों का समाधान किसी भी भागवत आचार्य के पास नहीं है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में शिष्ट का जो सबसे गुहितम रहस्य है कि परमात्मा कहाँ है आज तक कोई नहीं बता पाया, केवल पंचवासनाएं ही जान पाई, जैसे वेद ने कहा कि आदित्य वर्ण तमस परस्तात, तो तमस के परे है परमात्मा। बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े योगी ने उस परमात्मा की जो सत्ता व्यापक हो रही है उसी को ब्रह्म का स्वरूप मान लिया। जैसे आप इसको एक दृष्टांत से समझिए कि कोई व्यक्ति जब स्वप्न देखता है तो जागृत अवस्था में जो उसके चित्त में मन में बसा होता है वही स्वप्न निद्रा में प्रतिभासित होता है, वही तो स्वप्न है। अव्याकृत का जो ब्रह्मांड है पूर्णतया चेतन है, प्रकाशमयी नूरमयी है, और अव्याकृत अपने निज स्वरूप को जैसा देख रहा है मोह सागर में वो वैसा ही देखने लगता है, यही तो प्रकृति है। लेकिन इसके परे क्या है, अब जो अव्याकृत प्रतिबिंबित हो रहा है, अव्याकृत का मन प्रतिबिंबित हो रहा है संपूर्ण मोहसागर के इस बने हुए ब्रह्मांड में, तो सारा संसार क्या समझता है कि जो अव्यक्त ब्रह्म है प्रकृति से परे तो है लेकिन इस सृष्टि के कणकण में है। नीत के पार जो खसमता है क्यों करे पहचान, नीत के परे जो ब्रह्म का स्वरूप है उसके बारे में कोई जानता नहीं। वाणी क्या कहती है कि यह सारा जगत स्वप्नमयी है, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में सत सपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परचा नहीं क्यों उतरोगे पारा। तमसा परस्तात कहते कहते न जाने कितने करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, वेद के विद्वानों ने न जाने कितने ग्रंथों को पढ़ा होगा, निरुक्त पढ़ा होगा, निघंटू पढ़ा होगा, महाभाष्य पढ़ा होगा, अन्य भी वेदांगों का अध्ययन किया होगा, न जाने कितनी समाधियां लगाई होंगी, लेकिन निराकार से परे जो ब्रह्म का अखंड एक रस स्वरूप है जिसके लिए वेद कहते हैं आदित प्रत्नस्य रेसो वासरम, रेसो ज्योति पश्चंत वासरम, दिन के समान प्रकाशमान, आदित प्रत्नस्य रेसो ज्योति पश्चंत वासरम परो यद्यते दिव्य, जो दिलोक से परे है दिन के समान प्रकाशमान है, अखंड एक रस ज्योति है उसके बारे में कोई जान नहीं पाया। मोह सागर में जो ज्योत प्रतिबिंबित हो रही है प्रणव की उसी को सबने ब्रह्म का स्वरूप मान लिया, और त्रिपाद उद्वैत उदयित पुरुषा के बारे में तो कोई बता ही नहीं सका। आज हम सुंदर साथ को राज्य की कृपा दृष्टि से वेद के गोहितम रहस्यों का बोध है, भागवत के गोहितम रहस्यों का बोध है, गीता के आज गीता की लगभग 84 से अधिक भाषाओं में टीका हो चुकी है। आप सोचेंगे जिस गीता के ऊपर सैकड़ों विद्वानों ने अपनी टिकाई लिखी है, एक एक शब्द का चिंतन किया,
लेकिन कोई भी यह स्पष्ट रूप से आज तक नहीं बता पाया था कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उत्तम पुरुष अक्षर अतीत क्या है। क्षर को शरीर मान लिया, अक्षर को जीव मान लिया, और इसका जो मूल है आदि नारायण सबल ब्रह्म प्रणव ब्रह्म उसी को सब कुछ अक्षर अतीत का स्वरूप मान लिया। जबकि तो ये तो सब कुछ स्वप्नमयी है, यह द्वैत का संपूर्ण ब्रह्मांड स्वप्नमयी है। द्वैत से परे द्वैत क्या है, बेहद मंडल जिसको वेद में चतुष्पाद विभूति कहा गया है, स्वलीला द्वैत कहाँ है, सृष्टि में आज तक कोई नहीं बता पाया था, अक्षर की पंचवासनाएं भी नहीं बता पाई थी। अभी यदि कथे पक्षी की बात की जाए तो स्पष्ट कह दिया गया है कि अलिफ लाम मीम का भेद तो परमात्मा के सिवा कोई जानता ही नहीं है, और तर्तमाड़ी एक चौपाई में दर्शा दिया गया कि तीनों सूरतें ही तो अलिफ लाम मीम है। कहने का से क्या है, राजी ने हमें वह निधि दी थी जिसके द्वारा हम सारे संसार का मार्गदर्शन कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हमारे में जो विरोध है उसका कारण क्या है, हुक्म हमारी बात मानी जाए, हम जो कह रहे हैं वो सब माने, हम किसी की भले ही न माने, हमारी बात मानी जानी चाहिए, और इसी के होड़ में सारे समाज में राग द्वेष फैला हुआ है। राज्य क्या कह रहे, सो तो दिया मैं तुमको सुखुली ना तुम बिन, जो मेरे सिद्ध दो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। सभी झगड़ों से हमें परे रखने के लिए राजी ने एक सरल सा रास्ता बताया है, मेरे सिद्ध दो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। हम संसार को अक्षर अतीत की पहचान दें तो हमारा हुक्म चलेगा। हुक्म चलने का तात्पर्य क्या है, यदि आप संसार को अक्षरातीत की पहचान देंगे तो संसार आपका अनुगामी बनेगा। आप देखिए कि जितना मुस्लिम जगत है मोहम्मद साहब के कथन के विपरीत एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं, क्रिश्चियन ईसा मसीह के विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में क्रिश्चियन है मुस्लिम है, वो किसका किसकी बात मानते हैं, ईसा मसीह मोहम्मद साहब की बात मानते हैं। उनके पास ना बाइबल का गुही रहस्य है ना कुरान का गुही रहस्य है। जो एक करोड़ के एक अरब के आसपास हिंदू भी हैं लगभग संपूर्ण विश्व में, इस हिंदू समाज में लगभग 1000 संप्रदाय हैं। हम वेद उपनिषद दर्शन या जितने संत साहित्य हैं सबके गुही रहस्यों को संसार में प्रसारित कर सकते थे। वैसे यह अलग बात है कि हमने कुछ प्रसारित नहीं किया है, हमने तो छोटे छोटे मंदिरों की एक परिधि से अपने को बाहर निकालना उचित नहीं समझा। जो राज्य ने उत्तरदायित्व दिया था कि हम सारे संसार को बताएं कि एक अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत कहाँ है, अक्षरातीत कैसा है, हमारे मन में कुछ उल्लास तो पैदा होता है, कुछ सुंदर साथ इसके लिए निकल भी जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक लंबा अरसा बीत गया है, हमने नियोजित तरीके से इस पर कार्य नहीं किया। यदि हमारा समाज बौद्धिक दृष्टि से ज्ञान की राशि हमारे पास सबसे अधिक है, संसार के सभी धन ग्रंथों को रहस्यों को खोलने के हम सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन चक्रवर्ती राजा भी यदि अपने महल से बाहर नहीं निकलता है तो संभव है उसका राज्य खंड खंड हो जाए। वैसे ही हमारी हालत है, हम अपने मंदिरों में वाणी को पधरा करके पूजते रहे हैं, स्वर्ण कलशों से शोभित करते रहे हैं। आजकल तो एक होड़ सी चल गई है कि कौन व्यक्ति कितने करोड़ का मंदिर बना लेता है। मैं अभी नेपाल से होकर आया, एक तारा बहन नाम के कोई साध्वी है, उनके मैं आश्रम में गया था, उन्होंने भी 5 करोड़ का मंदिर बनाया था। तो 5 करोड़ के मंदिर आजकल कम हो गए, आज सामान्य सी बात हुई है, कहीं 8 करोड़ के मंदिर बन रहे, कोई 11 करोड़ के मंदिर बन रहे, जगह जगह भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन वो मंदिरों में जाकर देखा जाए तो कहीं कोई उच्च स्तर का विद्वान नहीं मिलता, कोई उच्च स्तर की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हम ब्रह्मवाणी को लेकर केवल खजड़ी पीटते रहे, जोर जोर से जयकारे लगाते रहे, तो इसे क्या होने वाला है। हमें तो हर हृदय को मंदिर बना देना चाहिए था, हर हृदय में युगल स्वरूप की शोभा बसा देनी चाहिए थी। राज जी ने इसलिए हमें संसार में भेजा है, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को एम ब्रह्मात्म सत। ब्रह्मात्मा आई है सब सारे संसार के लोगों को एक अक्षरातीत की शुद्ध देने के लिए, तभी उन्होंने कहा है जो मेरे शुद्ध दे और को चले तुम्हारा हुक्म।
संसार हमारा कहना तब मानेगा जब हम अक्षरातीत को उनकी पहचान देंगे। लेकिन अक्षरातीत सूक्ष्म रूप से सबके हृदय में है, मूल संबंध के साथ, मार्फत के दृष्टि से। हमें उसको हकीकत में चरितार्थ करना है कि अक्षरातीत हमारे हृदय में है, तो इसे हमें चितवनी की शरण लेनी पड़ेगी। यदि सारे संसार को अध्यात्म का सच्चा सुख देना है तो संसार के हर प्राणी को, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मान्यता को मानने वाला हो, उसको वाणी के प्रकाश में उसके ही ग्रंथों से उसको परम सत्य की पहचान करानी पड़ेगी। तब तो हम दावा कर सकते हैं कि अक्षरातीत की हमने वास्तविक सेवा की है, वास्तविक हम उनके ब्रह्मांगना कहलाने के अधिकारी हैं। यदि हम व्यक्तिगत वर्चस्व की होड़ में केवल यही रह जाएं कि संसार के लोग केवल मेरा कहना माने, तो परिणाम क्या होगा? यहाँ संघर्ष खड़ा होता है। मनुष्य का जब अहम खड़ा होता है, चाहे परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, राष्ट्र हो, तो वही विवाद की जड़ बनता है। संसार में राज्य की सबसे बड़ी कृपा कि अभी आपने सुना प्रवीण जी के उत्तम, कितने उत्तम वचन थे कि हम राज्य के प्रेम में अपने अहम को समाप्त कर दें। आप देखिए, इन मय में डूबिया सब कोई, या को पार न पावे को, या को पार सुपावे, जा को मुतलक बख्शीश हो। राज्य के अथाह ज्ञान से हम कुछ रस्मियों को लेकर भी निकल पड़े हैं, यदि एक महान उद्देश्य के साथ कि हम संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को तारतम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दें, तो क्या परिणाम होगा? राज्य का वरद हस्त पल पल हमारे साथ रहेगा। एक कवि ने कविता बनाई थी कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एक दीपक जलाने वाला या कवि या आकांक्षा करता है कि हर व्यक्ति एक दीपक जलाए जिसे पृथ्वी पर अंधेरा ना रह जाए। हम तो परम धाम के ज्ञान का सूर्य लेकर बैठे हैं, लेकिन हमारी संकीर्ण प्रवृत्तियां तारतम ज्ञान को एक छोटे से संप्रदाय के रूप में बांधे हुए हैं। हम वैश्विक स्तर पर सोचने की क्षमता खो बैठे हैं। हम ये भी विवेक खो बैठे हैं कि हम कौन हैं। हम अपने को एक वर्ग विशेष में, प्रांत विशेष में, संप्रदाय विशेष में मानते हैं। तरह तरह के बंधनों ने हमें जकड़ रखा है। हम नहीं सोचते कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुणधान है और पल पल हमारे वो साथ है, जो कहता है कि जहाँ दुख हुए तुमको, तहाँ आड़ा देव अंग अपना अंग। तो ऐसे अक्षरातीत का संबल प्राप्त करके भी है, यदि हम असहाय बने हुए हैं तो हमसे अच्छे तो संसार वाले हैं, जो ये उद्घोष करते हैं कि सुरवंत विश्व अमृत से पुत्रा ये दिव्यान धवानिष्ठ हो, तुम अमृत पुत्र हो। ये तो संसार वाले कहते हैं। हम असहाय क्यों बने हैं, जबकि वाणी कहती है मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से ना तो कहीं धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मारे। हम अपने को परात्म की भावना से देखें तो पता चलेगा कि राज्य ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है कि अपना स्वरूप बनाकर हमें भेजा है, लेकिन हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए वर्चस्व की होड़ में, अर्थात अपना हुक्म चलाने की होड़ में हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। संसार हमारे ऊपर हंसी कर रहा है। हम अक्षरातीत की महिमा फैलाने के स्थान पर सारा ध्यान केवल मंदिरों के ऊपर खर्च कर रहे हैं कि सुंदर सुंदर मंदिर बन जाए तो जागनी होगी। याद रखिए, सुंदर सुंदर मंदिर तो बहुत पहले बने हुए थे। सोमनाथ के मंदिर में न जाने कितना स्वर्ण आभूषण था। आपको विदित हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कन्नौज को लूटा तो 400 ऊंटों पर हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी लूट करके ले गए। केवल कन्नौज के मंदिरों की मैं बात कर रहा हूं। आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे पास तो इतनी धन संपदा नहीं है। आज हमारे जीवन का एक एक पल मूल्यवान है। हमारी सारी शक्ति तारतम वाणी के प्रकाश में लगनी चाहिए और इसके लिए एक विशाल हृदय के साथ तारतम वाणी के संवाहक विद्वानों को तैयार करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने प्रेम के आंचल में रखने की आवश्यकता है। हम वर्ग संघर्ष से ऊपर उठें, सबके अंदर परमधाम की उसी चेतना को देखें जो मूल मिलावे में अपने मूल तन के साथ बैठी हुई है, तो शायद राज्य की कृपा दृष्टि सब पर बरसेगी और हमारा समाज भी सशक्त होकर के उभरेगा, सारे संसार को प्रबोधित करने की भावना से कि संसार के लोगों, तुम आओ, हम बताते हैं अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है और उसको पाने का सरलतम मार्ग क्या है। मैं ऐसा करता हूँ कि सब सुंदर साथ इसी मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में और वाणी की गूंज को समझ सर्वत्र फैलाने का प्रयास करेंगे।
अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।